Welcome students, today we are going to discuss the difference between positive and normative economics. बच्चे positive economics क्या होता है? Deals with economic issues related to past, present and future. बच्चे अगर मैं ये चीज बोलती हूँ कि हमारी country की population 1951 में इतनी थी like 5 billion, 10 billion, 20 billion, अब इतनी हो गई है और फ्यूचर में इतनी हो जाएगी. बच्चे पास्ट के डेटा से और प्रेजेंट के डेटा से आई कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर आल्सो. अगर मेरे पास पास्ट का डेटा है, आई हैव अ फिगर, अगर मेरे पास प्रॉपर से फिगर है पास्ट की, प्रेजेंट की भी है, तो मैं फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकती हूँ. तो दिस इज डील विद इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. दिस इज वॉट वी कॉल पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. नॉर्मेटिव डील्स विद द ओपिनियन ऑफ इकोनॉमिस्ट. लाइक अगर मैं कोई भी टॉपिक हूँ, कोई भी टॉपिक, लाइक आई एम सेइंग कि एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो इकोनॉमिस्ट अपने ओपिनियन देते हैं कि टू रिमूव दी, लाइक टू स्प्रेड दी एजुकेशन वी हैव टू ओपन द स्कूल्स. हमें क्या करना चाहिए, स्कूल्स ओपन कर देने चाहिए. कोई कहता है कि नहीं, बच्चों को इनकरेज करना चाहिए. तो दैट्स ऑल ओपिनियंस. ये क्या है, ओपिनियंस है. कोई भी इकोनॉमिक इश्यूज को मैं कर देती हूँ, स्टार्ट कर देती हूँ और इकोनॉमिस्ट से डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस लेती हूँ. नॉर्मेटिव में क्या होता है, सिर्फ ओपिनियंस इन्वॉल्व होते हैं. इसमें कोई फैक्ट नहीं है, सच्चाई नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, फिगर्स नहीं है, बस वी हैव ओपिनियंस कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए. नाउ सेकेंड इज रिलेट टू वॉट वॉज, वॉट इज एंड वॉट वुड बी. क्या था, क्या है और क्या हो सकता है. दिस इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. मतलब क्या हुआ था, 1951 में हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन इतनी थी, अब इतनी है. व्हाट वाज, थी, व्हाट इज, अब है. अब इसको दोनों को प्रिडिक्ट करके हम फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कितनी होगी. अगर पास्ट में इतनी थी, प्रेजेंट में इतनी है, तो फ्यूचर में इतनी हो सकती है. दिस इज पॉजिटिव. रिलेट टू व्हाट वुड, व्हाट ओट टू बी. इसमें क्या होता है, हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं. हम क्या करते हैं कि ऐसा करने से ये सिचुएशन हो सकती है, आइडल सिचुएशन. अगर हम कंट्री में ये चीज करनी शुरू कर दें तो हमारी कंट्री की सिचुएशन ऐसी हो जाएगी. व्हाट ओट टू बी मतलब फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, इट्स आइडल सिचुएशन. ठीक है, फैक्ट्स एंड फिगर्स. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या इन्वॉल्वमेंट होती है, फैक्ट्स एंड फिगर्स की. प्रॉपरली हमारे पास क्या होता है, वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर से डेटा होता है, प्रूफ होता है कि क्या चीज क्या थी, क्या है, क्योंकि हमारे पास डेटा है. स्टेटमेंट आर नॉट वेरीफाइबल, इसके हमारे अंदर हम वेरीफाई नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स अ जस्ट अ ओपिनियन. इसके अंदर सिर्फ ओपिनियंस है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, नॉन पॉजिटिव का एग्जाम्पल है, लाइक इंडियाज पॉपुलेशन इज मोर देन चाइनाज पॉपुलेशन. मैं अगर मैं बोलती हूँ कि इंडिया की पॉपुलेशन चाइना की पॉपुलेशन से ज्यादा है, इट मीन मेरे पास उस चीज का डेटा होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए. तो अगर मैं, तब तो पॉजिटिव है, अगर मेरे पास उसका प्रॉपर डेटा है. अगर वही आके कोई चीज बोल देता है, इंसान आके बोलता है कि नहीं मैम, इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से ज्यादा नहीं है, तो इट मीन वो क्या हो जाएगी, नॉर्मेटिव हो जाएगी. क्योंकि अगर वेरीफाई होती है, प्रॉपर से हमारे पास फैक्ट्स है, फिगर्स है, तो पॉजिटिव है. जो वेरीफाई नहीं हो सकती वो कौन सी होती है, नॉर्मेटिव. लाइक ओपिनियंस है, ओपिनियन को हम वेरीफाई नहीं कर सकते हैं. दैट्स ऑल टुडे बच्चे, थैंक यू सो मच. वेलकम स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. टाइप्स ऑफ इकोनॉमी बच्चे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, आप हम लोग जैसी जैसी एक्टिविटीज हमारी कंट्री में परफॉर्म करते हैं, उसी से हमारी इकोनॉमी डिफाइन होती है. अगर कोई इकोनॉमी, लाइक कोई भी कंट्री एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, हमारी भी इकोनॉमी, जैसे पहले ज्यादातर मोस्टली 70% पीपल आर एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, तो इट मीन हमारी इकोनॉमी कौन सी थी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी. फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारे जो लोग थे वो कहाँ शिफ्ट होना शुरू हो गए, इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गए, तो वो क्या हो गई, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बन गई. तो जैसे जैसे लोग, पीपल किसी भी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, ज्यादातर पीपल किस चीज में इन्वॉल्व होते हैं, उससे डिफाइन होता है कि हमारी इकोनॉमी किस टाइप की इकोनॉमी है. हमने तीन टाइप्स में डिवाइड किया है इसको, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में, सेंट्रली और कंट्रोल्ड इकोनॉमी,
प्राइवेट और मार्केट इकोनॉमी, थर्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, सेंट्रली और कंट्रोल्ड इकोनॉमी, प्राइवेट और मार्केट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। बच्चे इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो क्या है, मिक्स्ड है। इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है। धीरे धीरे हम इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि क्या होता है वन बाय वन। फर्स्ट इज द सेंट्रल और कंट्रोल, सेंट्रली और कंट्रोल्ड इकोनॉमी, सेंट्रली और कंट्रोल्ड इकोनॉमी। ठीक है, इसमें क्या रहता है बच्चे, कौन रन करता है, रन बाय गवर्नमेंट, रन एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। सारे डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्ट, रिगार्डिंग प्राइस कौन लेता है, गवर्नमेंट डिसाइड करता है। गवर्नमेंट ही डिसाइड करता है कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट बना, किस टाइप का प्रोडक्ट बनाना है लोगों के लिए, किस टाइप की रिक्वायरमेंट है, क्या चाहिए है पब्लिक को, वो कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। सेकेंड, सोशल वेलफेयर, मोटिव क्या रहता है गवर्नमेंट का, सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स बनाती है, रोड्स बनाती है, बिल्डिंग्स बनाती है, आपके हॉस्पिटल्स बनाती है, वो किस लिए बनाती है, फॉर द सोशल वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, पब्लिक के सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। उसका मोटिव प्रॉफिट नहीं होता है, उसका मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। पब्लिक सेक्टर डोमिनेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी। जो पब्लिक सेक्टर है वो डोमिनेट करता है कंट्रोल्ड इकोनॉमी को। लाइक इसमें सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर्स ही आते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक एचएमटी है, आपका बीएसएनएल हो गया, ये सारे क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर्स है, ये सारे इसके अंडर आएंगे। गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वो सारे किसके अंडर आते हैं, कंट्रोल्ड इकोनॉमी के अंडर। ठीक है, नाउ द सेकेंड इकोनॉमी प्राइवेट और मिक्स्ड इकोनॉमी, प्राइवेट इकोनॉमी। दिस इज रन बाय प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर मीन्स, जो प्राइवेट सेक्टर होता है, प्राइवेट मीन जो कोई इंडिविजुअल कोई कंडक्ट करता है, कोई बिजनेस शुरू करता है, कुछ भी करता है, वो कौन सा होता है, प्राइवेट सेक्टर होता है। फॉर एग्जांपल लाइक टाटा, टीसीएस, रिलायंस, ये सब क्या है, प्राइवेट स्कूल्स हो गए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गए, ये सारे एग्जांपल्स हो गए इसके, प्राइवेट सेक्टर के। ये क्या होता है, रन बाय मोटिव ऑफ प्रॉफिट मेकिंग। मेन मोटिव क्या होता है इसका, प्रॉफिट मेकिंग। जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसका मेन टारगेट क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करने का। सोशल वेलफेयर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता उनके लिए, उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रॉफिट। इसको कौन सा सेक्टर डोमिनेट करता है, प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट्स मार्केट इकोनॉमी। प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट्स करता है इसको, मिक्स मार्केट इकोनॉमी को। हमारा जो प्राइवेट, सारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट कंपनीज है, वो किसके अंडर आएंगी, इसके अंडर। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या रहेगा बच्चे, बोथ एग्जिस्टेंस ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी क्या रहेगी, existence of both public and private, दोनों sectors की existence रहेगी, public और private, दोनों type के होते हैं, public भी होता है, private भी होता है mixed economy में। motive भी क्या रहेंगे, दोनों रहेंगे, social welfare भी रहेगा
और आपका प्रॉफिट मोटिव भी रहेगा, प्रॉफिट मोटिव भी रहेगा। दिस इज मिक्स्ड इकोनॉमी, बिकॉज दिस इज मिक्स्ड इकोनॉमी, इसमें दोनों एग्जिस्टेंस दोनों की है, प्राइवेट सेक्टर की भी है और पब्लिक सेक्टर की भी है। और आपका क्या रहेगा, इसको कौन सा सेक्टर डोमिनेट करेगा, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक डोमिनेट मिक्स्ड इकोनॉमी, क्योंकि दोनों का ही एग्जिस्टेंस है पब्लिक और प्राइवेट की, तो इसलिए इसको डोमिनेट भी क्या करेगा, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। आवर इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी इन विच पब्लिक एंड प्राइवेट बोथ सेक्टर एग्जिस्ट। बच्चे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पेपर में आ जाता है, वेरी इजी टॉपिक। दैट्स ऑल टुडे बच्चे, थैंक यू सो मच।